पता चला कि आप रॉकी नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। Taking his age as consideration, surgery is ruled out. To be very honest, he's got very little time. उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नाम और निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। He is right. Criminals हमेशा आगे की सोचते हैं। जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए। जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। साउथ इंडियन सुपरस्टार यश की फिल्म KGF भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। अब तक इस फिल्म के दो भाग आ चुके हैं और प्रशंसक तीसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में अनिश्चितता दूर करते हुए निर्माताओं ने इस आगामी फिल्म के बारे में कुछ विवरण घोषित किए हैं। नीचे अधिक जानकारी दी गई है। KGF 3 का लुत्फ दर्शक 2025 में उठा पाएंगे। मीडिया में शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू होगी और मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म एक साल के अंदर रिलीज हो जाएगी। हालांकि अभी तक साल के अलावा कोई आधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है। प्रोडक्शन हाउस होमब्ले फिल्म्स की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रवक्ता ने KGF 3 की आधिकारिक घोषणा की। बयान के अनुसार अखिल भारतीय बहुभाषी फिल्म 2025 में रिलीज होगी और फिल्म के 2024 की शुरुआत में फ्लो पर जाने की संभावना है। एक सूत्र के हवाले से कोइमोई की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, यश स्टारा KGF 3 की रिलीज की तारीख 2025 के मध्य या 2025 के अंत में देखी जा रही है। अभिनेता अगले साल के अंत में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके साथ होमब्ले फिल्म्स की हर साल एक बड़ी रिलीज होगी। उन्होंने इस साल दिसंबर के अंत के लिए सालार बुक की है और 2025 में KGF 3 के साथ बड़े पैमाने पर जाने की सोच रहे हैं। KGF फिल्म सीरीज भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़ी सफलता की कहानी के रूप में उभरी है, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को आकर्षित किया है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और करिश्मा यश द्वारा मुख्य भूमिका में अभिनीत फिल्मों ने कन्नड़ सिनेमा परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है और अभूतपूर्व प्रशंसा हासिल की है। KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और रिलीज होने पर इसने सभी उम्मीदों को पार कर लिया। न केवल इसकी भव्यता और कहानी के मामले में बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी बड़ी सफलता। KGF फिल्मों ने न केवल इसके मुख्य अभिनेता के करियर को ऊपर उठाया है बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा की वैश्विक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता को भी रेखांकित किया है, जिसने भविष्य के भारतीय सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। KGF फिल्म सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। KGF चैप्टर 1 ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई और 2018 में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसे कई भाषाओं में व्यावसायिक सफलता भी मिली। KGF चैप्टर 2 ने इन उपलब्धियों को पार करते हुए दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म और दंगल के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का स्थान हासिल किया। IMDb पर उपयोगकर्ताओं ने KGF 1 और KGF 2 को क्रमशः 8.2, 10 और 8.3 की रेटिंग दी है।